बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे चूंकि आखिर में विजय प्रताप जी आपने जिक्र किया, जाहिर है हम लोग 32 सालों से जानता रहा हूँ मैं आपको, और शुक्रिया गांधी शांति प्रतिष्ठान को, कुमार प्रशांत जी को और उस चयन समिति को, आशीष नंदी मंच पर है, उनकी विद्वता के हम लोग तब से खायल हैं जब ग्रेजुएशन का छात्र था और पढ़ाई करके निकला था और पत्रकारिता में कोई रास्ते तलाश रहा था तब से। और मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जयशंकर गुप्त, मैं पटना में पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था और तब जयशंकर गुप्त रविवार के रिपोर्टर थे, और इन्हें याद नहीं होगा पहली मेरी मुलाकात मुजफ्फरपुर में हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस का कोई कार्यक्रम था, साल मुझे याद नहीं है, और किसी ने पहले इनसे एक बार मेरा पटना में परिचय कराया था और वहाँ इन्होंने मुझे पहचाना, सिर्फ कहा तुम अजीत अंजुम हो, मेरे लिए वही लगा कि बहुत बड़ी बात है। तो जयशंकर जी हैं। कुमार प्रशांत जी, बिहार में 87-88 से जब से मुझे लगा कि मैं पढ़ाई के लिए अनफिट हूँ, मुझे पत्रकारिता में ही अपनी जगह बनानी चाहिए, जिसके लिए जाहिर है उस दौर में परिवार के लोग तैयार नहीं होते थे, और मेरे पिता जैसा कि बताया न्यायिक सेवा में थे, तो उनकी ख्वाहिश तो यही रही होगी जैसे हर पिता माँ बाप की बिहार में होती थी, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या सिविल सर्विसेज या एग्जाम, ऐसी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाए। तो कुमार प्रशांत जी, ऐसे तमाम लोग, हरिवंश, संतोष भारतीय या रविवार दिनमान में लिखने वाले वो नाम, तमाम नाम, उन नामों को हम पढ़ा करते थे और बहुत हसरत से सोचा करते थे क्या कभी ऐसे हम भी दिल्ली में जाएंगे, किसी अखबार में नौकरी मिलेगी, ऐसे नाम छपेगा, और ऐसे ही लिख लिख कर अखबारों में भेजा करते थे, कहीं सिंगल कॉलम डबल कॉलम छपता था तो लगता था आज हमारा दिन बन गया, और सुबह से शाम तक उस दिन के की पत्रिका का इंतजार करते थे जिस दिन वो छपना छपकर आनी होती थी बिहार में। और तब से मैं कुमार प्रशांत जी के लिखे, मैं ये कह सकता हूँ शायद ऐसा कोई लेख होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, 12-13 अखबार मेरे घर में आते हैं उस दायरे में जितना भी। तो शुक्रिया कुमार प्रशांत जी। प्रसून जी बैठे हैं, प्रसून वाजपेयी जी को भी मैं, मुझे लगता है 32-33 सालों से जानता हूँ, उनके सरोकार, उनकी लेखनी, उनके बारे में भी मैं यही कह सकता हूँ कि उनका लिखा हुआ शायद ऐसा कोई लेख होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, चाहे समकालीन तीसरी दुनिया हो, चाहे पटना से निकलने वाली एक पत्रिका IPF की थी, मुझे ठीक से भी नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, रामजी राय के संपादन में निकलती थी, चाहे जनसत्ता में लिखे हुए उनके तमाम लेख हो, चाहे किसी भी अखबार में लिखे हुए लेख, और उसके बाद TV पर जो उन्होंने किया उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। सामने बैठे हुए जितने लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं, सिद्धार्थ वरदराजन हैं, जो उन्होंने बीते कुछ सालों में एक वायर, अपने आप में नाम है, वायर के साथ अगर तुकबंदी करें तो फायर, तो इस दौर में जो एक पत्रकारिता में एक मानदंड स्थापित किया उसमें है, अपूर्वानंद जी हैं, मीम अफजल साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शांति प्रतिष्ठान ने अवार्ड के लायक माना, मैं तो एक्चुअली जिस दिन मुझे सूचना मिली तो पहले मैं आत्मचिंतन कर रहा था कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है, क्या ये अवार्ड का मैं हकदार हूँ क्या, तो पहले मेरे भीतर ही 100 सवाल थे, इसलिए अगर आप में से किसी के भीतर वो सवाल होंगे तो मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे भीतर ही हैं कि क्या मैं उस लायक था जो मैंने कोई ऐसा काम किया क्या। बात आती है कुलदीप नैयर साहब की, उस तरह से मेरी मुलाकातें जिसका जिक्र पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने किया, उस तरह से मेरी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन 91 से लेकर 96-94 तक जब अखबार में था तो अक्सर ऐसे सेमिनार में, गोष्ठियों में मैंने सुना, देखा, उनके लिखे लेख अखबारों में पढ़े, और उनकी जो बायोग्राफी है बियॉन्ड द लाइन्स, अगर ना मुझे नाम ठीक से याद है उसका, बल्कि हिंदी में भी एक अनुवाद हुआ है, एक जीवन काफ़ी नहीं शायद, वो इमरजेंसी पर लिखी हुई उनकी जो किताब है, स्कूप भगत सिंह पर लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है, इसलिए कि उस दौर की राजनीति के साथ साथ उस दौर की पत्रकारिता को समझने के लिए उससे शानदार डिटेल दस्तावेज बहुत कम है, इसलिए दस्तावेज है क्योंकि कुलदीप नैयर बहुत इनर सर्किल में भी थे, चाहे नेहरू के काल में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के काल में, चाहे जनता पार्टी के गठन के समय, चाहे जनता दल के गठन के समय, वो सारी कहानियां कि कैसे देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच दाव पे चले और कैसे पीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और कैसे कुलदीप नैयर पाकिस्तान से भारत आए, और मुझे लगता है वो जो बियॉन्ड द लाइन्स लिखा है उसमें लिखा है, शायद उन्होंने अंजाम अखबार में पहली नौकरी की थी, उर्दू का अखबार था, तो पहले या दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा कि मेरा आगाज ही अंजाम से हुआ, मतलब अंजाम अखबार से उन्होंने नौकरी की, तो उनके पूरे उस लेखन को मैंने पढ़ा है, देखा है,
तो कहीं उस दायरे में हम सब लोग उस तरह की पत्रकारिता के मानदंड या पिरामिड या मीनार जो उन्होंने बनाए, हम शायद उसकी बुनियाद के लायक भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया। बहरहाल इसके लिए आप सभी शुक्रिया जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं। अब बात चूंकि एक शब्द प्रसून जी ने कहा प्रतिरोध, बहुत वाजिब सवाल उन्होंने भी किया कि क्या प्रतिरोध करते करते हम किसी दायरे से बाहर जाते हैं या सिर्फ प्रतिरोध के लिए पत्रकारिता करते हैं, या प्रतिरोध हर दौर में एक तरह का होता है या दौर के साथ प्रतिरोध बदलता है। बहुत वाजिब बात होने के लिए प्रतिरोध शब्द का मैं बहुत ज्यादा मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि उनके शब्द से इंस्पायर होकर उस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ। वो मेरे जहन में था कि प्रतिरोध मेरे आज के वक्तव्य का एक मुख्य हिस्सा होगा। जैसे दौर हर दौर में जो पत्रकारिता आप लोगों ने भी देखी होगी, और बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा देखी होगी इस हॉल में, मुझे लगता है मंच पर भी विजय प्रताप जी हैं, बहुत करीब से बहुत पत्रकारों को देखा होगा जेबी आंदोलन के समय से लेकर उसके बाद, कुमार प्रशांत जी का तो कहना ही क्या। उस हिसाब से देखूं तो मैंने बहुत कम देखा है और मुझे फर्स्ट पर्सन फर्स्ट अकाउंट बहुत कम जानकारी है। एक शायद नौकरी की कुछ मजबूरियां थी, न्यूज रूम में था या एक प्रोडक्शन हाउस में था, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने, उसके लिए लिखना लिखवाना बहुत तरह के काम, तो इसलिए शायद मैंने कम देखा। लेकिन मैं आज के अपनी बातों को आज के अपने वक्तव्य को पोस्ट 2014 के बाद केंद्रित रखूंगा और थोड़ी तुलना कि क्यों मुझे क्या बदलाव लगा, और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को लगा होगा या लगता है या नहीं, सवाल यहीं से है। 2014 के पहले और कैसे पत्रकारिता बदली है, और अगर एक लाइन में कहें तो सत्ता का चरित्र हमेशा एक सा होता है। सत्ता में जो सत्ताधीश होते हैं, जो मोस्ट पावरफुल होता है, अगर उसके हाथ में इतनी सत्ता है कि उसे गुरूर और गुमान हो जाए, तो हर दौर में पत्रकारों के साथ बुरा भी हुआ, पत्रकार निकाले भी गए, नौकरियों से भी निकाले गए, इमरजेंसी के पहले भी, इमरजेंसी के बाद भी, बल्कि बहुत दिलचस्प अंदाज में कुलदीप नैयर ने ही इमरजेंसी हटने माफ करे जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद और इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद 1980 में कैसे रामनाथ गोयनका ने उन्हें बुलाया और उसके बाद कहा कि अब यहाँ संपादक बदले जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा क्या मुझे इस्तीफा देना होगा, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने गोयनका से पूछा था कि क्या मैं जो कॉलम लिखता हूँ क्या मैं उसको जारी रख सकता हूँ, गोयनका जी ने कहा मैं जवाब दूंगा और जवाब नहीं दिया। तो उस दौर में हर दौर में ऐसे वक्त आए हैं जो बड़े बड़े संपादकों को भी सत्ता प्रतिष्ठान की जो नाराजगी है उसका सामना करना पड़ा है, और वो दौर इमरजेंसी का भी था उसके बाद भी था। फर्क क्या आया वही मैं रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुलदीप नैयर जी की उसी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा और बहुत जगह बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत इमरजेंसी पर जितने लिखे हैं मैंने ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है बीते 15-20 सालों। उस दौर में और ये चूंकि मैं भी कुलदीप नैयर जी के नाम से है इसलिए उन्हीं की लिखी हुई बातों को उद्धृत करके मैं कह रहा हूँ कि जब इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी लगी जिसका सबसे बड़ा शिकार इंडियन एक्सप्रेस हुआ, और तब कुलदीप नैयर ने एक कोशिश की कि 150 पत्रकारों को बुलाकर प्रेस क्लब में कोई मीटिंग रखकर और एक प्रतिरोध के पन्ने पर दस्तखत कराए जाए और पत्रकार दर्ज कराए कि उन्हें नाराजगी है कि सत्ता प्रतिष्ठान किस ढंग से पत्रकारों की आवाज या अखबारों की आवाज अखबारों का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा प्रेस क्लब में बहुत सा लिखा है, प्रेस क्लब में बहुत सारे पत्रकार आए, कुछ नाम उन्होंने लिखे हैं, वो उनमें से कुछ लोग बाद में राज्यसभा सदस्य बने, वाजपेयी के सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी अभी भी है, कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है। 27 नाम उन्होंने लिखे जिन्होंने उसमें दस्तखत किए, इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी गई उसमें और नाराजगी जताई गई। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो उन्होंने लिखा कि उसी दिन इंदिरा गांधी को जाकर भी कुछ संपादकों ने जाकर बताया कि आपके खिलाफ पत्रकारों की एक लामबंदी हुई है और प्रेस क्लब में मीटिंग हुई है। पीसी शुक्ला उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे और पीसी शुक्ला ने कुलदीप नैयर को भी बुलाकर बोला कि अब आपकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे, और उनसे भी लिस्ट मांगा गया कि उसमें कौन कौन पत्रकार थे। खैर बाद में कुलदीप नैयर साहब की गिरफ्तारी भी हुई, उनके साथ उनके फादर इन लॉ भी थे, भीमसेन सच्चर साहब बाहर भी आए और वो लंबी कहानी है।
मैं सिर्फ तुलना ये कर रहा हूं कि उस दौर में भी और राजीव गांधी के समय प्रेस बिल आया था, उस समय भी जब दिल्ली में पत्रकारों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, उस एकजुटता को उन लोगों ने देखी होगी जो उस समय दिल्ली में थे, मैं नहीं था। लेकिन मुझे वो याद है जब पटना में जयशंकर जी उस समय रविवार में थे और मैं बहुत 21 साल का था और फ्रीलांसिंग करता था 20-21 साल का और अखबारों में लिखता था और जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कोई प्रेस बिल या ऐसा कुछ लाया था, मानहानि या कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। और उसमें उसकी मेरे पास एक तस्वीर है जो मेरी पूंजी है, जयशंकर जी भी एक बैनर थामे हुए और बगल में हम लोग सबसे जैसे होते हैं कम उम्र के लड़के ज्यादा उत्साहित होते हैं कि लाठी चलेगी तो पहली मैं कम से कम खा लूं, तो आगे एक बैनर पकड़े हुए मैं चल रहा था जो मैं अभी आते हुए से पुरानी तस्वीरें देख रहा था तो मिला। और पूरा पटना का, पटना के 50 नहीं सैकड़ों पत्रकार जो थे मैं अधिकतम, वो सड़क पर थे और विरोध में थे और वो कानून वापस लिया। दिल्ली में कई ऐसे मौकों पर प्रदर्शनों में हम लोगों ने उस दौर में हिस्सा लिया, चाहे नवभारत टाइम्स को लेकर कुछ मुद्दे थे, एसपी सिंह को लेकर कुछ विवाद था, नवभारत टाइम्स के ट्रांसलेशन छापने की बात आई उसको लेकर प्रतिरोध था, कई बार लाठीचार्ज, यहाँ तक कि मुझे याद है पार्लियामेंट थाने तक एक बार हम लोग पहुंचे थे, 100-200-300 पत्रकार थे, वो विरोध भी देखा। फिर कांशीराम ने जब आशुतोष को थप्पड़ मारा तो एक ऐसा प्रदर्शन हुआ कि साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच की सड़क पर हम सब लोग थे, मैं भी था, सड़क के बीच में हम लोग जमीन पर लेटे थे, एसपी सिंह साहब वरिष्ठ अधिकारियों से, एसपी सिंह और जो सीनियर जर्नलिस्ट थे वो बात कर रहे थे, बट लेकिन हम लोगों की उम्र थी अधिक उत्साही और ऊर्जावान होने के नाते तो विरोध वहां तक पहुंचा। अब बदला क्या वो मैं कहना चाह रहा हूं, और वो बदलने में कैसे जैसे दो पाले से खिंच गए जो खिंचने नहीं चाहिए। उस समय किसी भी बात पर कि पत्रकार और पत्रकारिता के साथ कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, चाहे किसी भी संस्थान में हो, तो एक एक एकजुटता ऐसी दिखती थी कि आपकी थोड़ी बहुत अगर वैचारिक असहमतियां थी तो भी आप एकजुट होकर विरोध की, प्रतिरोध की आवाज को बुलंद करते थे। और कई पत्रकार संगठन थे और कई मौकों पर वो सारे संगठन भी एक साथ होते थे, मैं भी एक संगठन का हिस्सा था, उस संगठन का सारे संगठन के नाम मुझे याद है उस दौर के। लेकिन बदला क्या, बदला ये कि 2014 के बाद से आज की तारीख में पत्रकार की ऐसी पालेबंदी है जो मैं अगर खुशवंत सिंह की किताब, कुलदीप नैयर की किताब, उमी कपूर की किताब इमरजेंसी पी लिखी गई, ऐसे दर्जनों किताबें जो मैंने पढ़ी है, ऐसी पालेबंदी हर दौर में हुई है, लेकिन वो पालेबंदी निकृष्टतम स्तर पर इस दौर में जो है वो नहीं हुई। तब क्या पालेबंदी होती थी, संस्थानों के मालिक के स्तर पर, और कुछ बड़े संपादक जो संस्थान से भी ज्यादा बड़े थे, कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे एडिटर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता था कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, तो कुछ लेवल पर था, लेकिन नीचे की संस्था उतनी चरमराई नहीं थी, या नीचे की संस्था से मैं बात कर रहा हूं संपादक के नीचे जो पूरा पत्रकारों की बिरादरी थी उसमें एकजुटता ज्यादातर मौकों पर ऐसी होती थी कि संपादक के खिलाफ भी होती थी। हमने हिंदुस्तान टाइम्स के बाहर भी प्रदर्शन किए हैं, नवभारत टाइम्स के बाहर भी प्रदर्शन किए, हमने मतलब मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, 1990, 1991, 1993, 1994 और उसके बाद कई बार ऑफलाइन। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि न्यूज रूम में या पत्रकार जो सोशल मीडिया ट्विटर जहां भी एक्टिव है, अब पत्रकार अपने आप में कई बार समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार है, वो प्रवक्ता है, वो किसी पार्टी का ट्रोल है, या किसी पार्टी का आइडियोलॉग है, या किसी पार्टी का विचारक है, या विस्तारक है, क्या है। और ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव इस हद तक आया है, जैसे बात करते समय कई बार लगता है मालिक हर दौर में सत्ता प्रतिष्ठान से अपने फायदे के लिए सत्ता प्रतिष्ठान मालिक का इस्तेमाल करता है, मालिक इस्तेमाल हो जाता है, कोई राज्यसभा सदस्य हो जाता है, कोई कुछ और पा जाता है, और ये भी हर दौर में हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है, ये चंद्रशेखर जी के समय में भी हुआ है, ये उसके पहले भी हुआ, लगातार हुआ। लेकिन डाउन द लाइन जो चीजें हुई है वो ज्यादा खतरनाक है यहां से अगर आप देखते हैं तो। कैसे, आज की तारीख में मुझे लगता है ज्यादातर मीडिया संस्थानों में, चूंकि सिस्टम सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के लिए मैं कहूंगा, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो उनकी नीतियों के लाइन लेंथ में है वो सही है, सही जगह है, उसके पीछे कवच है सत्ताधारी दल का, आईटी ट्रोल का, बीजेपी की ट्रोल का, और वो एक बहुसंख्यकवाद का जो नशा है उससे ग्रसित होकर, या उससे कहें
उसके भीतर ताकत मिलती है, जिससे उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और हमारी आवाज सही है, या हमारी आवाज के साथ एक सत्ता का कवच है। ये डाउन द लाइन नीचे जब गया तो हमने देखा, जैसे आज मैं कह रहा था अभी गांधी प्रतिष्ठान में आते हुए प्रशांत जी को वहां बैठ के, कि मेरे मोबाइल में आज मैंने देखा कि 2000 लोगों के नंबर है जिसमें 1000 पत्रकार होंगे। मुझे लगा आज मैं कुछ लोगों को बोलूं यहाँ आने के लिए, फिर लगा किनको बोलूं, तो देखना शुरू किया तो इसमें 90% लोग कहीं और है, तो जैसे कहते हैं इस तरफ या उस तरफ, तो पाले खींचे। अब उनमें से 90% में से ज्यादातर लोग आज ही पहले मान चुके होंगे, जैसे ही नाम मेरा या आरफा का आया होगा, कि ये सब तो लोग विरोधी लोग हैं, सत्ता विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये जिन्नावादी हैं, ये जयचंद हैं, ये मुल्ला है, पता नहीं ये सब लिखा भी जा रहा है। तो वो जो लिखा जा रहा है ट्रोल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हर दौर में होता है। मैंने वो किताब भी देखी पढ़ी है, प्रभाष जोशी बहुत बड़े संपादक रहे, हिंदू होने का धर्म उनकी लेखों का उनका संग्रह की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब बाबरी मस्जिद ढहने के बाद प्रभाष जी ने एक स्टैंड ले लिया कि राम भक्त कार सेवक आतताई थे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने उस ढांचे को ढहाया है, और लगातार जब लिखने लगे तो उन्हें भी मीर जाफर, मुल्ला, जयचंद सब कहा गया, उन्हें चिट्ठियां आने लगी और वो विचलित और परेशान भी हुए। उस पर कई लेख उन्होंने लिखे हैं जो उसी हिंदू होने के धर्म में संकलित है। तो ऐसा नहीं है कि नई बात है, ये प्रवृत्तियां पहले भी थी। पहले ना होती तो कोई नाथूराम गोडसे नाम का शख्स गांधी जैसे एक फकीर को मार नहीं देता गोली मारकर, और उसके पहले इतनी बार कोशिश की और अंतिम में कामयाब हुआ। तो ये प्रवृत्तियां पहले थी, प्रवृत्तियां पहले थी, उसके इतिहास में हम सबसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन वो प्रवृत्तियों, उन प्रवृत्तियों का विस्तार आज ऐसे हुआ है कि जिन्हें हम 2014 के पहले हम मानते थे कि लोकतांत्रिक है, ये कट्टरतावादी नहीं है, ये मीडिया में कोई महामंडलेश्वर की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं है, ये घोर सनातनी होने के उपक्रम करते हुए मरो मारो की अपील करने वाले नहीं है, इनमें कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, वो सब लोगों को मैंने बदलते हुए, सब लोगों मतलब बहुत लोगों को मैंने बदलते हुए बीते 8 सालों में देखा है। और वो बदलाव, वो चरित्र का बदलाव कई बार तय करना मुश्किल होता है कि वो पत्रकार हैं या क्या हैं, या मीडिया के महामंडलेश्वर हैं, या उनके भीतर। मैं तो बार बार ये कहता हूं और मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूं, सहमत हूं असहमत हूं, कि हर दौर में सत्ता अलग अलग रही और सत्ता से सवाल पूछना या सहमति जताना पत्रकार का बुनियादी न्यूनतम उसका उसूल का हिस्सा है। 2014 के पहले की बात, 2014 के पहले 11, 12, 13 मैं भी News 24 पर एक सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम, बार-बार घड़ी भी देख रहा हूं कि मतलब देर न हो, है अभी 2-4 मिनट शायद प्रशांत जी, 2-3 मिनट, सबसे बड़ा सवाल करता था, और हर रोज कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना आंदोलन था, देश में प्रतिरोध की आवाज इतनी बुलंद थी कि शहर शहर में विरोध हो रहा था, और दिल्ली में जो हो रहा था आप सबने देखा, दिन भर हम लोग सारे चैनल पर, मैं जिसमें था वहां भी और जहां जैसे थे, वो आवाजें दिखती थी, वो आक्रोश दिखता था। हम लोग अपने शोज में भी उस दौर में जो कांग्रेस सरकार पर जितने भी आरोप थे, करप्शन के, गोल घोटाले, CWG, शीला दीक्षित, तमाम चीजें, सुरेश कलमाड़ी, तमाम आरोप, उन आरोपों को उन्हीं तलखियों के साथ जवाब जगह मिलती थी चैनल पर, और कहीं से किसी दबाने की मुझे एहसास नहीं हुआ कि कहीं प्रशांत भूषण या कोई योगेंद्र यादव या अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल या ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि संसद में बैठे 170 लोग चोर हैं, संसद में बैठे फला फला फला, उनके पास ऐसी लिस्ट होती थी, वो लिस्ट पढ़ जाते थे जिसमें संसद में बैठे 50-40-25 ऐसे नेताओं के भी नाम होते थे जो देश के रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन हर चैनल पर वो लाइव करता था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग बहुत सारे लोग आज करते हैं कि नहीं आप लोग आज ऐसी बात करते हैं, तब क्यों नहीं ऐसी बात कर रहे थे, तब भी ऐसे ही दबाव था, तब भी ऐसी सरकार करती थी, और सत्ता का चरित्र सब एक ही तरह का होता है, मैं कहता हूँ सत्ता का चरित्र आलोचना के खिलाफ होता है, लेकिन कितना होता है बात यही, मुझे कम से कम तजुर्बा नहीं है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या वैसी चीजों के कवरेज को लेकर जहां सीधे सीधे नाम लेकर उसमें कितने सबूत थे नहीं थे वो उसको भी हटाइए कहा जाता था और चैनलों पर चलता था, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया कि इसको क्यों चला रहे हो, इसको काटो, इसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों आया, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, हर चैनल पर लाइव है। मैं कहता हूं अगर 2011-12 में
आज जैसी सत्ता है और आज जैसी असहनशीलता है, अगर ऐसी होती तो शायद उस तरह से चैनलों को उस समय भी दबाया जा सकता था जैसे आज दबाया जा रहा है। कोई अगर कहता है नहीं दबाया जा रहा है या कोई दबाव नहीं है, ऐसा ही है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो उस पक्ष में है, उस पाले में है, ऐसा कहते हैं। छोटी सी एक मिसाल है जिसका मैं गवाह भी हूं, विक्टिम नहीं कहूंगा क्योंकि विक्टिम बना लेकिन वहां से कोई नई जमीन तैयार हुई। 2018 में TV9 नाम के एक संस्था को लॉन्च किया गया और उसके संपादक CEO साउथ के थे, हैदराबाद के, और उससे मैं जुड़ा। विनोद कापड़ी उसके प्रधान संपादक थे और एक सहयोगी थे, हम सब लोग उसके हिस्सा बने, एक नई टीम बनी, और लगा कि जो हमें आजादी है उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए जितना बेहतर कर सकते हैं करेंगे। हुआ ये कि उसके उसमें इनॉग्रल फंक्शन में वेरी फर्स्ट डे प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री मोदी से मैं सिर्फ एक बार कहीं मिला था और पहले सामूहिक तौर पर मेरा कोई परिचय नहीं है, और थोड़ी मेरी कमी और कमजोरी है कि मैं 30 सालों में नेताओं से मैं नहीं मिला, नहीं मिलता हूं। यूपी चुनाव के दौरान 50 नेता मंत्री मैं बचता रहा, बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बार निजी रिश्ते आपको ऐसे मौकों पर प्रभावित भी करते हैं और आपको मुश्किल में भी डालते हैं। आपको कॉल्स भी आ सकती है कि आप ये क्यों चला, तो मैं नहीं मिलता हूं, ये मेरा, और ये मेरा नुकसान भी है क्योंकि उससे होता है मेरे निजी तजुर्बे बाकी तमाम लोगों से बहुत कम है, लेकिन वही मेरी स्ट्रेंथ है। जो भी खैर, तो प्रधानमंत्री आए और उसके बाद बाहर उन्होंने जो 3 लोगों ने रिसीव किया, मैं नहीं था, मैं अंदर था, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें अंदर एक मीट एंड ग्रीट सेक्शन होता है, पीएम को वहां आना था और स्टेज पर जाना था, और मैं उस दिन के सारे डिबेट का, मैं ज्यादातर शोज का मैं होस्ट भी था। बाहर उनको जब रिसीव किया गया तो एक अंदर से ऐसे ही जो लाइव यूनिट थी, कैमरा टीम, जल्दबाजी में मैंने ही बाहर भेजा, वो तेलुगु की टीम थी, अंदर से वो लाइव कर रही थी तेलुगु चैनल के लिए। मुझे भी पता उस समय नहीं था कि लाइव है, या पता भी होता तो क्या पता था कि वहां क्या निकलने वाला है। मैंने कहा जल्दी जाओ, पीएम बाहर आ रहा है। वो बाहर गया, लाइव था तेलुगु टीम से कनेक्टेड, और उस पर उन्होंने कहा, मिलते ही कहा जो हमारे CEO थे उनको, कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है, और कहते हुए उनकी एंट्री हुई और वो वीडियो वायरल हुआ कुछ देर बाद। लेकिन उसके बीच की कहानी, अंदर आए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अंदर हूं। एक हॉल में 10-15 ऐसे लोग थे जिनसे उनको मिलवाया जाना था, जो फॉर्मेलिटी होती है उसमें, चैनल के CFO या एक 5-6 एंकर्स जो भी थे, सबसे आखिर में मैं था। जैसा कि मैंने कहा, स्वभाव होता है मैं थोड़ा दूर रहता हूं, मैं एक्चुअली बचना भी चाहता था। फिर मुझे कहा गया कि आप अगर नहीं वहां रहेंगे तो ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होता है, लगेगा कि आप पीएम से भी नहीं मिले, तो मैं सबसे आखिर में था। मिलते हुए ऐसे आए, सबसे मिलवाया जाता रहा, मेरे पास पहुंचे, मुझसे उनका परिचय कराया गया कि अजीत अंजुम है। उन्होंने मेरी आंखों में आंख डाली, कंधे पे हाथ रखा, 2-3 सेकेंड का है या 5 सेकेंड का होगा, उन्होंने कहा अच्छा दूसरे वाले आप ही हो, और ये चिपके ऑन रिकॉर्ड है इसलिए पहली बार मैं किसी सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, दूसरे वाले आप ही हो। मेरे मुंह से बेशाख्ता निकला, क्या कह रहे हैं सर, क्या सर, क्या कह रहे हैं, ऐसे कुछ बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पहले वाला कौन और मैं दूसरे वाला क्यों, और जिस आदमी से मिला नहीं देश का पीएम मुझे क्यों कह रहा है दूसरे वाला हो, अब मैं पहले वाला क्यों नहीं, जो भी है, तो मैं थोड़ा चौंका, क्या कह रहे हैं सर, बस मेरा यही आंसर था। वो एक सेकंड उन्होंने देखा, उसके बाद स्टेज की तरफ जाना था, स्टेज की तरफ बढ़े, मैं भी स्टेज की तरफ बढ़ा, बस अब्सेंट माइंड हो गया कि क्या हुआ। स्टेज की तरफ जब पहुंचा ऐसे 25-30-40 फीट से, वो स्टेज पर गए, तभी विनोद जो थे वो चूंकि बाहर थे, वो आए, बोले बाहर कुछ हुआ है बताता हूं आपको। तब मेरी बेचैनी लगी हुई कि बाहर क्या हुआ है, अब सामने ऐसे बैठ गए, यहाँ प्रधानमंत्री, हम लोग पहली लाइन में, अब मेरी बेचैन मैं उनको सुनी नहीं, लॉस्ट कि दूसरे वाला मैं हूं तो पहले वाला कौन है और हुआ क्या है? तो अब मैं पूछ भी नहीं सकता। और मैंने देखा कि, और इसलिए यह बहुत अहम मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कितना रिसर्च करता है आदमियों के लिए या प्रतिरोध की उन आवाजों के लिए जो आवाज इस 130 करोड़ की जनता में शायद कारखाने में तूती की आवाज की तरह, लेकिन वो आवाज भी उस शख्स को परेशान करती है जो 130 करोड़ देश आबादी वाले मुल्क का प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु भी है, दुनिया का सबसे ताकतवर है। तो मैं ऐसे सामने बैठा हूं, बहु मैं वर्बेटम बता रहा हूं पहली बार, अब मेरे भीतर खलबली मची, बोलना उन्होंने शुरू कर दिया।
जो भी दो टीपी लगा हुआ था इधर और इधर देखते हुए शुरू हो गया जो भी। अब मैं वहां पूरी तरह से एब्सेंट, और उन्होंने एक दो बार कुछ ऐसी बातें भी कही कि लोग तालियां भी खुलकर नहीं बजा रहे, कुछ ऐसा भी उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सामने बैठा था तो लगा मुझे ताली बजानी चाहिए क्या। खैर जब वो चले गए तब मुझे पता चला, बताया गया कि बाहर ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब पहले वाले विनोद जो बाहर मिले, दूसरा वाला मैं। तो फिर सोचा कि पहले वाले दूसरे वाले मतलब हमने किया क्या है। तो उसके बाद कुछ देर के बाद बताया गया, पता चला मुझे कि पूरा आपका डोजियर बना है पीएमओ में कि आप क्या क्या ट्वीट करते हैं, क्या क्या आलोचना करते हैं। उस डोजियर के आधार पर प्रधानमंत्री को एक ब्रीफ है कि आप दोनों लोग एंटी पीएम, एंटी बीजेपी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, वो आए थे, उनको लाया गया था या इन्वाइट किया था, वो दूसरे लोग थे। मेरी भूमिका एक शो करने तक सीमित थी बस। खैर तो उसके बाद मुझे ये लगा कि एक प्रधानमंत्री अगर आकर किसी चैनल के समारोह में चैनल के मालिक को अगर कह दे, और वो मालिक अंबानी और अडानी भी हो, कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है, आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये मानेगा कि उसके बाद भी अंबानी या अडानी उस आदमी को 24 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता ना दिखा दे। कोई भी आदमी होता तो उसको उसी दिन इस्तीफा देना पड़ता। पीएम का इतना कहना बहुत बड़ी बात है। अब इसमें दो संकेत है, एक कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिरोध की आवाज या विरोध की आवाज या असहमत आवाज, मैं तो असहमत आवाज करता हूं, मैं कोई प्रतिरोध की आवाज भी नहीं था, मैं आज भी नहीं मानता, क्योंकि मुझसे बड़ा काम करने वाले बहुत लोग हैं और मुझसे 20 टाइम्स ज्यादा प्रतिरोध की आवाज हमारे सामने सिद्धार्थ प्रणद राजन जी बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने कोई गुजरात दंगा कवर नहीं किया, उस समय मैं शायद प्रोडक्शन हाउस में था, डीडी के लिए शो बनाता था, मैं कोई 300 आर्टिकल नहीं लिखे, मैंने आकार पटेल की तरह मोदी ईयर्स पे कोई किताब नहीं लिखी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि कुछ लेख मेरे छपे थे और उसमें से कुछ लेख सिद्धार्थ रजन वरद राजन जी के वायर में भी छपे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा करके एक लेख छपा था, शायद इनको भी पता हो कि नहीं मुझे नहीं पता, क्विंट में 5-10 लेख छपे थे क्योंकि मैं बीच में खाली था, और ट्विटर पर मैं लगातार लिखता था जो भी असहमति होती थी। और नोटबंदी के दिनों में मैं एक चैनल में रहते हुए भी नोटबंदी पर जितना मुझे दिखती थी जो खामियां वो मैं लिखता भी था, चैनल पर भी चलाने की कोशिश करता था, तब भी हमारे उस चैनल को के ओनर्स को ट्वीट करके टैग करके कहा जाता था इस आदमी को तुरंत निकालो। खैर तो कहने का आशय यह है कि प्रधानमंत्री एक छोटे से हिस्से में अपनी आवाज से प्रभावित करने वाले शख्स, जिसका दायरा किसी एक लेख या दो लेख या ट्विटर के कुछ रीट्वीट और लाइक्स तक सीमित हो, जो मैं कहता हूं लाखवां हिस्सा भी उनके समर्थकों की फौज के बराबर ना हो, शायद करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो, वो आदमी भी उन्हें इतना परेशान करता है या उन्हें इतना बेचैन करता है कि वो अपनी जुबान से उसको एक कहते हुए नहीं चूकते हैं कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में गाली देना। गाली एक अतिरंजना का तरीका है, आलोचना को गाली कहा जाता है, मुझे तो गालियां मिल गई। तो मैंने उस दिन से तय किया कि अब तो चुनाव होगा, मुझे ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा भी, चुनाव के बाद कुछ और असहज स्थितियां हुई, कुछ और चीजें हुई, छोड़ा, स्वैच्छिक तौर पर छोड़ा। लेकिन होता है कई बार वक्त ऐसा होता है जब लगता है कि बहुत सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और वहां से कोई दूसरा दरवाजा खुलता है, और जैसा कि मैंने मनीषा जी ने अभी कहा, शुक्रिया मनीषा, वैसे आपने इतनी बार अजीत जी कहा कि मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने नाम के साथ अजीत जी लगाने लगा। तो अचानक मोबाइल लेकर मैं एक सुबह 22 की रात ताली थाली बजते हुए अपनी पूरी सोसाइटी में देखी, बालकनी से मैं भी देख रहा था, थोड़ा मेरा फ्लैट ऊपर है 12वीं मंजिल पर, बहुत परेशान थे क्योंकि ताली थाली आज मैंने नहीं बजाई, पूरे कैंपस से आवाज आएगी और दिखेगा सिर्फ इसी घर से नहीं आ रही, तो पता नहीं अगले दिन क्या होगा। तो मैं बालकनी में जरूर खड़ा था ऐसे उपक्रम करते हुए कि आपके साथ मैं भी शामिल हूँ। चलो उसके बाद 24 को जो हुआ लॉकडाउन का फैसला ऐलान, 25 की सुबह मैं वॉक करते हुए, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी थी कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है, और उसके बाद मैं ट्रैक सूट में जैसा कि कहा मोबाइल लेकर गया और जो भी मैंने देखा, मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं ट्विटर पर वीडियो डालना शुरू किया, उसका कुछ असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ या लोगों ने उसको तवज्जो दिया या रीट्वीट किया, और वहां से 10 दिन बाद मैंने उस पर यूट्यूब चैनल बनाया। ये मेरी बात थी, लेकिन मेरी बात से ज्यादा मायने क्या रखती है कि इस दौर में मुश्किल ये हो गई है कि हर मीडिया संस्थान में
मैंने शुरू में जैसा कहा, मालिक और ये तो थे रहे होंगे, नीचे जो चीजें बदल गई है उसके शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने करीब से देखा है, आज भी अपने नंबर चेक करते हुए कि यहाँ के लिए किसी को बुला सकता हूँ, चेक करते हुए देखा तो फिर देख लिया, वो सारे लोग ऐसे हो गए कि चलते फिरते नफरती पुतले हैं, उन्हें एक धर्म विशेष से नफरत है, उन्हें मुसलमानों से नफरत है, वो सनातनी हो गए, वो त्रिकोणधारी हो गए। 2014 के पहले जिनको कभी मंदिर जाने नहीं जाते नहीं देखता था, मुझे थोड़े वामपंथी सोच के भी लगते थे, हालांकि मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं बीच में मानता हूं अपने को, लेकिन वो सोच के नहीं थे। वो पता चला आज यहाँ वाराणसी जाकर इतना टीका लगाकर फोटो ट्विटर पर रोज डालते, कोई वहां से डाला को पता ही नहीं चल रहा है कि मोदी जी कब गए और ये कब गए और ये कब गए और ये कब से, ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि फर्क नहीं पता चलता है कि महामंडलेश्वर है ये, सनातनी है ये, मीडिया के पता नहीं क्या है। ये स्थितियां ऐसी खतरनाक है जो मैंने यूपी चुनाव के दौरान साथ मैंने गांव-गांव शहर-शहर घूमते भी महसूस किया है, किसान आंदोलन के समय भी महसूस किया कि कैसे एक तबके ने बड़े तबके ने कैसे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही या न जाने क्या क्या कहा। शायद उन सबसे मुझे ताकत मिली कि मैं किसान आंदोलन में गया, एक दिन नहीं एक साल तक, जब तक आंदोलन था एक साल नहीं एक साल से ज्यादा, शायद कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं गया। होली के दिन भी दिवाली के दिन भी हर दिन सुबह रात दोपहर बारिश में पूरी रात किसान आंदोलन में रहा, और उससे मुझे लगा कि ये आवाज पहुंचनी चाहिए जो कहीं आवाज उस तरह से नहीं पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि टेलीविजन का शक्ल समय समय पर जरूर बदला है, लेकिन किसान आंदोलन में वो सारे एलिमेंट थे जो अगर टेलीविजन के एलिमेंट के हिसाब से देखते तो लोग उसको दिखाते। अगर वो दौर 2014 के पहले होता, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ या जैसे जंतर मंतर पर अनशन हुआ या जैसे रामलीला मैदान में अनशन हुआ, लेकिन चूंकि वो किसान जो आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी थे, चूंकि वो किसान मोदी की सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने बैठे थे, इसलिए उस आवाज को कुंद करने या उस आवाज को स्पेस न देने की कोशिशें हुई, और शायद हमें इसलिए सराह लिया उन्होंने या प्यार किया या स्नेह किया। भी एक सरदार जी थे यहाँ आते हुए, मैं भावुक हो गया, वो हमसे उम्र में पता नहीं बड़े हैं छोटे, लेकिन मोहब्बत से जिस ढंग से वो मिले, ये मुझे लगा कि सिर्फ उनके भीतर ये है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रतिरोध की आवाज में नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग छोटे छोटे शहरों में होंगे जो मुझसे बेटर काम कर रहे होंगे, ताउन करेंगे और कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी अपने हिस्से का थोड़ा करता है उसको लगता है कि उसके हिस्से की आवाज किसी ने सुनाई तो किसी ने दिखाई तो। छोटी सी दो मिसालों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। दो तीन ऐसी घटनाएं हैं जिसने मुझे लगा मेरे भीतर ताकत देता है कि चाहे जो भी हो हमें जो मैं कर पा रहा हूं करूं। और एक कैवेट के साथ कि मैंने बार बार ट्विटर पर लिखा है जब भी घेराबंदी होती है, एक बार भी 30 साल की पत्रकारिता में किसी भी सरकार के वक्त एक बार भी उस सरकार के समर्थन वाली पत्रकारिता मैंने नहीं की है, चाहे कांग्रेस से जुड़े किसी नेता के चैनल में रहा तो भी। अब बात आते हैं जो किसान का, कि किसान के मुद्दे पर तीन छोटा सा वाक्य है जो मुझे लगता है मुझे थ्रिल करता है, और सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज नहीं कहीं पहुंचती। कहीं मैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कवरेज के दौरान 26 जनवरी के बाद जब लगा किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई, चूंकि 26 जनवरी का प्रदर्शन हुआ और सारे चैनल पर ऐसा माहौल बनाया गया, और एक चैनल के एंकर ने लिख भी दिया कि आज आखिरी शाम है, 28 जनवरी वो तारीख थी जब वो किसान आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ, वजह आप जानते हैं। 29-30 तारीख को या एक दो दिन बाद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर, चूंकि मैं सुबह से रात तक यही तीनों सीमाओं पर ज्यादा रहता था, दिन भर घूमता था, और मैं था और सामने बहुत सारे 500,000 किसान यहां से वहां तक लाइन लगाकर सुन रहे थे, भीड़ में था, मैं मास्क लगाए हुए था जानबूझकर, चूंकि कई बार काम करने में आपको दिक्कत होती है, और एक सरदार जी बैठे थे और नीचे बैठे थे, और मैं मंच पे बहुत भीड़ थी, और उसके बाद मैं सामने मंच से मैं सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहा था कि मंच पे हो क्या है, मेरे कैमरा सहयोगी मंच के आगे थे, और वो अचानक पीछे से ऐसे नीचे से आवाज आई, मुझे मतलब पैर में किसी ने थप्पा मारा, मुझे लगा ये क्या हुआ, तो नीचे देखा तो एक सरदार जी बैठे हैं और उनका एक पैर कमर के पास से नहीं है, बैसाखी रखी है, मतलब वो बैसाखी पर चलते होंगे, तो मुझे लगा शायद मेरे सामने रहने से उनका जो आई व्यू है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे मंच को, तो मैंने झुक के हटने की कोशिश की, तो उन्होंने सरदार जी ने सिर्फ मुझे कहा कि नहीं, मेरे इस पे इशारा करते हुए
कि आप इस पे चढ़ के उधर चले जाओ। मैंने कहा कि सर मुझे उधर नहीं जाना है, मैं सिर्फ यहाँ सुनने के लिए आया हूँ। उसके बाद जो उन्होंने कही ना कि आप मेरे कंधे पर पैर रखकर उधर चले जाओगे ना, तो मुझे लगेगा वाहे गुरु ने मुझ पर कृपा की। ऐसी 50 कहानियां 50 जो मुझे ताकत देते हैं। तो गले मिलकर 80 का 75 का आदमी आता है, रोने लगता है, भावुक होता है, तो मुझे लगता है मैंने कौन सा ऐसा काम किया? नहीं किया, सही कह रहे हैं, नहीं किया। वो काम था जो बुनियादी किसी रिपोर्टर को करना था, करना चाहिए था। तो उन्हें ये लग रहा है कि उनकी ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही है कहीं, शायद उन्होंने मोहब्बत की। मैं अभी रास्ते में अपनी टीम को दिखा रहा था, किसी ने मेरे यूट्यूब पर लिखा, नीचे कॉमेंट में आते हुए मैंने लिखा लड़कों को कि मैं छोटा सा मजदूर हूं, मेरे पास कोई पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं बेटे की साइकिल बेचकर आपकी आपको डोनेट करना चाहता हूं। बेटे की साइकिल बेचकर, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है जो आज ही है मेरे यूट्यूब पर, ऐसे बहुत लोग लिखते। मैंने उनको जवाब दिया कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपसे संवाद करूंगा, बात करूंगा, मैं आपकी कोई मदद कर सका तो मैं करूंगा। ऐसे 50 लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, भावुक होता हूं, लगता है कि नहीं जिंदगी में हो सकता है, जैसे एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, हो सकता है कुछ बेवफाई हमसे भी हुई हो, लेकिन जब जागे तब सवेरा, हो सकता है मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊं जिंदगी में। जब लोग रिटायर करते हैं, 56 मेरी उम्र है, 3 कम मनीषा ने बताया सर्टिफिकेट में, यहां से कुछ अच्छा करूं, तो मेरे लिए ये रीइनकार्नेशन है। बुद्धिस्ट मानते हैं पुनर्जन्म, तो मैं मानता हूं ऐसे पुनर्जन्म है। नमस्कार।